देश में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में 40,111 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,322 लोग ठीक भी हुए और 725 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। बीते दिन हुई मौतों का आंकड़ा 88 दिनों में सबसे कम है। राहत की बात ये भी रही कि रविवार को देश में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 से भी कम लोगों की जान गई। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। कोरोना की दूसरी लहर में कराह रही देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना से उबर चुकी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 94 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई। यहां अब तक 14,34,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 24,995 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी भी 992 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोविड महामारी कंट्रोल में है, लेकिन वायरस अभी टिका हुआ है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो करा ले। खासकर जो लोग अब तक संक्रमण से बचे हुए हैं उन्हें कम से कम एक डोज लग जानी चाहिए, तभी दिल्ली के हालात आने वाले दिनों में भी कंट्रोल में रह सकते हैं। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर को लेकर किए गए ताजा रिसर्च में सामने आया है कि देश में पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में फरवरी से 11 मई तक बहुत कम पुरुष अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि इस दौरान हॉस्पिटल में होने वाली मौतों का आंकड़ा 3.1% बढ़ गया था। ये स्टडी ICMR, एम्स और NCDC के एक्सपर्ट्स ने की है।